जितने भी लोग जिस तरह तुसा लोगों नाल प्यार करने हो कम करने हो इस तरह इस यूनियन कौंसल ने लोग भी तुसा नाल प्यार करने एक बच्ची अगर पढ़ जाती है तो पूरा श्रमदान समझ जाता है। राजा साहब ने दो तीन दफा इस मैदान में शिकस्त खाई लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हारे नहीं कि उनका जज्बा खिदमत का था और जो खिदमत उन्होंने इस इलाके के लिए इस तहसील के लिए की है वो इनके बाद कोई न कर सकता है न करेगा। जब राजा साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि राजा साहब जब मैं पिंडी से आता हूँ चकवाल मोड़ पर जब आता हूँ तो आपकी मुझे याद आती है, मैं आपको बहुत दुआएं देता हूँ कि आपने ये काम किया है वो इलाके की किस्मत बदल बदल दी। हमारी हर बच्ची सालाना फीस 5,000 है और यहाँ तक आने के लिए किराया 12,000 है, महाना साल की फीस 5,000 है और आने के लिए किराया 12,000 है और एक घर से अगर दो और तीन बहनें आ रही हों तो फिर आप सोच सकते हैं कि उन वालदैन के लिए स्पेशली लड़कियों के लिए इतने ज़्यादा किराए अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। रोज़ एक नए तरीके से आजमाया जाता हूँ, रोज एक ताज़ा अज़्म लेके फिर उभरता हूँ। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे पर कुछ लोग हमें गिराने में बार बार गिरे। बिलाशुबा
मेरे लिए एक बड़ी फख्र का दिन है, खुशी का दिन है। और वो फख्र और खुशी इसलिए है कि आपके साथ राजा परवेज अशरफ साहब ने जो वादा किया था आज वो पूरा करके आपके पास आए। राजा परवेज अशरफ साहब का ये कहना है कि हमारी प्रायोरिटी नंबर वन एजुकेशन और तालीम है इंशाल्लाह ताला। इसका एक सबूत ये भी है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मंदरा के मकाम पर हम पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस लेकर आ रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब, और हमारी यही बच्चियां जो आज यहाँ कॉलेज में पढ़ती हैं जब ये आला तालीम हासिल करना चाहेंगे तो उनको अपने गुजर खान में यूनिवर्सिटी मुयसर हो। आपसे आज ये वादा है कि जब तक हम सियासत के मैदान में हैं इंशाल्लाह जो हमसे बन पाया हमने पहले भी किया है लियाकत तहसील गुजर खान, आइंदा भी आपकी खिदमत करेंगे। मेरे लिए बड़ा खुशी का ये दिन है, मैं इसलिए भी आज खुश हूँ कि एक बाप होने के नाते मैंने बहुत सारी अपनी बेटियों की सहूलत का और आसानी का बंदोबस्त किया है, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास अगर कोई शख्स आता है ना और अगर मेरे पास नौकरी हो, वो कहता है मेरा एक बेटा है एक बेटी है, तो मैं कहता हूँ कि बेटे का भी मैं करूँगा लेकिन पहले बेटी के कागज मुझे दो। नहीं अगर कोई बेटी किसी माशी वजह से किसी और फिक्र की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका बाप हूँ, मैं उसका बंदोबस्त करूँगा। नहीं है अपने कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है।